बसपा प्रत्याशी मुरारी लाल अग्रवाल ने केक काटकर मनाया बसपा सुप्रीमो का 66वां जन्मदिन। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती का 66वां जन्मदिन उत्तरी विधानसभा के बसपा प्रत्याशी एवं प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने आगरा के सुल्तानगंज पुलिया के निकट नवज्योति अपार्टमेंट स्थित कार्यालय पर केक काटकर मनाया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी और बहन जी जिंदाबाद के नारे रह रहकर गूंजते रहे। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी और प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने कहा कि आगरा की अग्रवाल बाहुल्य सीट पर मुझे टिकट देकर बहन जी ने अग्रवाल समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के निवासी गड्ढे सीवर पानी और अन्य मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे उन समस्याओं को विजय होते ही प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ साथ सर्व समाज की सेवा को संकल्पित हूँ। एक उत्सव है और ये उत्सव पूरा देश मना रहा है, पूरा राष्ट्र मना रहा है, क्योंकि आज माननीय हम सबकी प्यारी बहना माननीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री और 2022 के आने वाले चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कि वो 5वीं बार की मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो। इसी आज क्रम में इस उत्सव के 66वें बहन जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मैं बहन जी का बहुत बहुत कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने अग्रवाल समाज के इस व्यक्ति को टिकट देकर आगरा की इस धरा पर ये दीपक जलने दिया है। और आज यहाँ सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने, सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, सभी सामाजिक लोगों ने यह संकल्प भी लिया है कि हम नवासी उत्तरी विधानसभा का प्रत्याशी श्री मुरारी लाल अग्रवाल गोयल पेंट वाले को भारी बहुमत से विजय बनाकर इस दौरान प्रशांत गोयल, प्रवीण अग्रवाल, भिक्की लाल गर्व, राजीव शर्मा, महेश कुमार, निमेश, संदीप मुखरिया, कामरान अहमद, धर्मेंद्र सिकरवार, मनोज सोनी, श्रीमती सुमन गोयल, बाबूजी शिव नारायण सहरा, गुलाम रसूल, मनोरमा बौद्ध और हरिओम गोयल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।